कोरोना संक्रमण बढ़कर विकराल रूप धारण करे, इसके पहले ही उसको फैलने से रोकना होगा। हम असावधान रहे तो एक बड़े संकट को निमंत्रण देंगे। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, और लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, गरीब की रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की नौबत आए, और इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, सावधानी में ही सुरक्षा है, कृपया करके मास्क का उपयोग कीजिए। मास्क बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है हमारे पास। भीड़ भाड़ से बचिए। अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जिलों के अपने यहां कुछ गाइडलाइन तय की है, विधि निषेध बनाए, कृपया करके उनका पालन कीजिए। हमने प्रभावित जिलों में जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह फैसला किया है कि बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा, वहां ऐसे बड़े मेलों का आयोजन निरस्त किया है। कुछ जिलों में इंदौर जैसे शादी और विवाह की संख्या को भी हाल की क्षमता से आधी किया है। अलग अलग जिलों की परिस्थिति के हिसाब से जिलों ने ही फैसले किए हैं। मेरी आपसे अपील है उन फैसलों का सम्मान करें। अभी हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगा रहे, लेकिन परिस्थिति अगर बिगड़ी तो फिर हम उस दिशा में भी जाना होगा। मेरी सरकार की भरपूर कोशिश रहेगी कि हम इस संक्रमण को किसी भी कीमत पर फिर से न फैलने दें, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है।